फूड पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ स्वाति और आज मैं आपके साथ पोटैटो वेजेस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होते हैं। ये अंदर से सॉफ्ट होते हैं और ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, तो इसे सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मोस्टली हम जब मूवी देखने जाते हैं या फिर बड़े से मॉल में जाते हैं तभी इसको ऑर्डर करते हैं। ये बहुत कॉस्टली होते हैं, तो ये घर में भी आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए 3 बड़े आलू लिए हैं, नमक स्वाद अनुसार। ये मैंने सूप क्यूब यूज़ किया है, सूप क्यूब, इसे आप मैगी क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं और ये ऑप्शनल है। यहाँ पे मैंने मिक्स हर्ब लिया है 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो मिक्स हर्ब या बासिल पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टीस्पून सफ़ेद तिल, चिली फ्लेक्स 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 3 से 4 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है यहाँ पे, या फिर आप राइस फ्लोर या फिर कॉर्नफ्लोर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, और फ्राई करने के लिए तेल। सबसे पहले आलू का छिलका हम निकाल देंगे। छिलका हटाने के बाद इसके वेजेस में हम लंबे साइज में कट करेंगे। ध्यान रखना है इसे ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। लगभग 1 आलू के 8 से 10 पीस हम बनाएंगे इसमें, इसी शेप में आप देख सकते हैं। तो सारे आलू को हम बॉईल करना है, इसको हाफ कुक करना है। उसके लिए मैंने लगभग 700 ml पानी उबालने के लिए रख दिया है। जब बॉईल आएगा तब 2 पिंच नमक हम इसमें ऐड करेंगे और सारे आलू को इसमें हम मिलाएंगे। ध्यान रखना है आलू को हमें आधा ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। लगभग 2 से 3 मिनट में ये हाफ कुक हो जाते हैं। 2 मिनट में मैंने इसको निकाल दिया है पानी में से, अब इसे हम ठंडा होने तक वेट करेंगे। तब तक हम इसके कोटिंग की तैयारी करेंगे। तो एक मिक्सिंग बाउल में मैंने ऑल पर्पज फ्लावर जो है वो इसमें ऐड किया है। चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, सफ़ेद तिल, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो स्किप कीजिए। अब ये मैंने मिक्स हर्ब डाल दिया है इसमें, इसके बदले में आप तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं। ये सूप क्यूब मैंने इसमें मिलाया है, ये भी ऑप्शनल है लेकिन इससे स्वाद अच्छा आता है, इसके लिए इसमें डाल दिया है मैंने। अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करना है। ध्यान रखना है पहले भी हमने डाला था नमक बॉईल करने के टाइम आलू में। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी मिलाएंगे और इसका एक थिक बैटर तैयार करेंगे। ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको। इसी प्रकार से गाढ़ा पेस्ट हमें बनाना है, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर सारे आलू को हमने ऐड किया है और इसे अब अच्छी तरह से कोट करेंगे। अच्छी कोटिंग होने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ऑयल डाला है, ये भी ऑप्शनल है। अब इसे अच्छी तरह से मिला दिया है मैंने। अब इसको फ्राई करना है, तो फ्राई करने के लिए मैंने पहले ही तेल गरम करने के लिए रख दिया है और तेल हमारा गरम हो गया है। अच्छा गरम करना है तेल को, फिर हम इसमें फ्राई करेंगे।
अब इसे सारे आलू को हम एक एक करके इसमें फ्राई करने के लिए डाल देंगे। ध्यान रखना है गैस का फ्लेम मीडियम या हाई रखना है, लो फ्लेम पे इसे नहीं फ्राई करना है। दो से तीन मिनट होने के बाद ये नीचे से अच्छी तरह से ब्राउन हो जाते हैं, तो इसको हम पलट देंगे और दूसरी तरह से भी इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। लगभग चार से पाँच मिनट में हमने इसे फ्राई किया है तो अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं और कलर भी इसका अच्छा आ गया है। इसको हम एक किचन टॉवल पे निकाल देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। अब बाकी जो बचे हुए वेजेस है उसको भी अच्छी तरह से हम इसी तरह से फ्राई करते जाएंगे। आप देख सकते हैं इसको बहुत ही कम समय में हम इसे बहुत ही टेस्टी स्नैक्स हम देके बच्चों को दे सकते हैं। अब ये भी वेजेस हमारे बनके तैयार हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर इसका आ गया है और ये बहुत क्रिस्पी बन गए हैं। इसी प्रकार से हमारे पोटैटो वेजेस बनके एकदम रेडी हो चुके हैं। आप इसे गरम ही इसको सर्व करना है, एक गरम ही हमें ये क्रिस्पी होते हैं। ज़्यादा देर के बाद हम खाएंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसे आप ये रेसिपी को ज़रूर बनाइए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी को लेके। बाय।